हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए हैं बोट रॉकर्स 255 वायरलेस हेडसेट का रिव्यू और कंपैरिजन करेंगे उसको बोल्ट कर के साथ में, और देख लेंगे क्या क्या चीजें इसमें हैं। ये नेक बैंड आपके लिए कितना कंफर्टेबल रहेगा स्पोर्ट्स में, आउटडोर में और इनडोर में। रात को आप सोते हुए मूवीज देख रहे हैं तो हैसल फ्री आपको ये कंफर्ट देगा और दूसरी नीड्स की तरह नहीं है। और जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रबल ऑफ टीम में। मैं हूं आपका फ्रेंड आर्या। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बोट रॉकर्स 255 वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट्स, और इसको मैं अनपैक कर लेता हूँ। तो यहाँ आपको मिल जाता है ये, साथ ही में आपको मिल जाता है एक यहाँ पर मैं पाउच, जिसके अंदर आपका पेपर वर्क और आपको दी हुई है यूएसबी चार्जिंग लीड। तो ये आपका डिवाइस है और काफ़ी अच्छा इसका फिनिश है, फोल्ड है, सॉफ्ट है। और यहाँ पर में मैग्नेटिक लॉक आपको मिल जाते हैं। और यहाँ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर में ये अलग अलग साइज के आपको मिल जाते हैं ईयरबड्स, जो कि आप चेंज कर सकते हैं अपने कान की ग्रिप के हिसाब से। आप इनको तो अनपैक कर लेते हैं बोल्ट कर्व को यहाँ पर में। और यहाँ आपको मिल जाता है ये, यहाँ पर एक कार्ड मिल जाता है जिस पे आप ऑनलाइन लिंक पे जाएंगे तो आपको फ्री मूवी टिकट वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक ये है इसका डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन लोगो। और यहाँ पर हमें आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज, जिसमें काफ़ी सारे यूज़फुल फीचर्स आपको दिए हैं। और यहाँ हमारा यहाँ मिल जाता है आपको बीच में यूएसबी चार्जिंग, और तो यहाँ सेंटर में आपको मिल जाता है इसमें है यूएसबी चार्जिंग और आपकी अलग अलग साइज़ के ईयरबड्स। और यहाँ आपका मेन मिल जाता है वायरलेस हेडसेट डिवाइस, जिसकी आप एक्सटेंड कर सकते हैं लीड्स को। देख लिया कि उनके पैकेट्स में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या एसेसरीज हैं, वो हम सब देख चुके हैं। और अब आपको बता देते हैं उनके थोड़े से फीचर्स। तो मैं पहले बात करूंगा बोट रॉकर्स 255 वायरलेस हेडसेट की। तो ये आपको बोट रॉकर्स 255 और ये इस तरह, तो मैं इसे काफी फोल्ड भी कर देता हूँ तो इसमें कोई इशू नहीं है, काफी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा फिनिशिंग है इसका और बटन्स भी बहुत क्लीकेबल है। तो मैं इसे गले में अपने इसे पहन लेता हूँ और इसमें लेफ्ट राइट आपको यहाँ दिख जाएगा। तो जी हाँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये आपको इस तरह से यहाँ पर मैं आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने अपने गले में पहन लिया है और यहाँ दोनों में ही मैग्नेटिक पोर्शन है। बैक साइड में तो आप इसको इस तरह से ये लॉक हो जाता है मैग्नेट के थ्रू, और आप कहीं भी कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी है, अपना योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से फिक्स रहता है। तो बोट रॉकर्स के फीचर्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे। इसमें मिलता है आपको 6 आवर्स का बैकअप और चार्जिंग टाइम 1.5 आवर्स, स्टैंड बाय इसका 10 आवर्स, वाटरप्रूफ प्रोफाइल इसका IPX5। तो काफी अच्छा डिजाइन है, बहुत सॉफ्ट है, आप गले में अगर इसे पहन लेते हैं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कुछ है। जो एक कमी मुझे हल्की सी लगी है वो यहाँ पर ये बात है कि अगर आपने इसे गले में पहना हुआ है, आपका फोन आपके पॉकेट में या कहीं थोड़ा दूर रखा है, आपको कॉल अगर रिसीव हो रहा है तो अगर कोई कॉल आपको आ रहा है तो आपको इस बैंड के जरिए वो नहीं पता लगेगा। तो इस बैंड में ऐसा कोई वाइब्रेशन फीचर नहीं है कि आपको गले में पहन के पता लग जाएगा कोई कॉल आपको आ रहा है, आपको फोन तक जाना पड़ेगा या अगर फोन साइलेंट पे तो आप उसे मिस कर सकते हैं। तो देखेंगे दूसरे ब्लूटूथ जो हम आज रिव्यू करने वाले थे उसमें ये सब कॉलिंग का कैसे रहेगा। तो यहाँ काफी इजी कंट्रोल आपको दिए हैं। आप सबसे नीचे वाले को देखें तो वॉल्यूम डाउन है, सेंटर में आपका न्यू बटन और उससे ऊपर है अप वॉल्यूम की। तो कोई भी कॉल आपको अगर आ रहा है तो आप सेंटर बटन से उसको आंसर कर सकते हैं, छोटा सा क्लिक आपको करना है, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा कॉल एंड। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करते हैं 2 सेकंड के लिए तो आपका वॉइस एक्टिवेट हो जाएगा फोन में, गूगल असिस्टेंस है या iOS पे तो सीरी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो डिजाइन काफी अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, बहुत कंफर्टेबल है। और मैं इसको यहाँ वियर कर लेता हूँ कान में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये अच्छे से एडजस्ट हो जाता है बिल्कुल, बाहर की जो वॉइस है बिल्कुल लॉक हो जाती है, बहुत अच्छा आप सुन पाएंगे, बहुत अच्छा साउंड है, बेस है इसका। और साथ में जो एक अच्छा फीचर है उसमें यह है कि आप 2 डिवाइस के साथ इसे पेयर कर सकते हैं, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी इसमें दी हुई है। ब्लूटूथ 4.1 है जो बहुत क्विकली आपका पेयर हो जाता है। तो जो छोटा सा एक पॉइंट मुझे लग रहा है जब मैं कान में से अच्छे से ऐसे
पहन लेता हूँ तो इसके ऊपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन कवर करके जा रही है। तो बोट रॉकर्स आपको देता है बहुत रिच साउंड, अच्छा बेस है, फुल वॉल्यूम पर आप जाएंगे तो आवाज़ फटेगी नहीं, आपको पैनिक नहीं लगेगी, बहुत सूदिंग सी आवाज़ आ रहेगी, आपको अच्छा बेस भी ये देगा। हालांकि मैंने फुल वॉल्यूम पे, मेरे को थोड़ा म्यूजिक लाउड सुनने का आदत है तो मैंने फुल वॉल्यूम पे किया तो मुझे बेस बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन उतना लाउड नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बोल्ट कर्व की। तो ये भी काफी सॉफ्ट है, तो उसको मैं काफी अच्छे से फोल्ड कर पा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। इसमें भी लाइट वेट है, फिनिशिंग अच्छा है और इसमें यहाँ पर मैं जो लीड है आपकी वो एडजस्टर भी दिया हुआ है, तो काफी अच्छा मैग्नेटिक इसका भी लॉक है और यहाँ पर मैं जो वायर्स है बहुत अच्छी लाइट वेट मुझे लग रही, फिनिश अच्छा है और मैंने पहन लेता हूँ। तो बोट रॉकर्स की तरह ही ये भी एक्सटेंड है लेकिन इसमें जो एक एडवांटेज है, जो एक अच्छा फीचर है, स्मार्ट फीचर दिया है यहाँ पर है, जिससे आप इसको लीड को कर सकते हैं छोटा और अपने अकॉर्डिंगली इसको, सिर्फ अगर आपको वायरिंग थोड़ा परेशान कर रही है तो इतना एडजस्ट करके सिर्फ छोटी सी, या आप और भी इसको ले जाते हैं क्लोज तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बहुत छोटे पोर्शन में आपका हो जाता है। तो बोट कर्व की जो खास बात है, इसमें दिया हुआ है मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी, तो दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। इसकी जो बेस की बात करें तो 3D ऑकस्टिक इसमें इफेक्ट दिया है, अगर आप इसको सुनेंगे फुल वॉल्यूम में तो थोड़ा सा बहुत अच्छा बेस है इसका और काफी लाउड है बोट रॉकर्स के कंपेरेटिवली, करें तो फुल वॉल्यूम में उसका बेस बहुत अच्छा है लेकिन उतना एक लेवल पर जाकर के लाउड नहीं लगता है। बोल्ट का में फुल वॉल्यूम में आप जाएंगे तो काफी ज्यादा इसका साउंड है और बहुत अच्छा बेस है यहाँ पर, मैं आपको बहुत इजीली आपसे इंजॉय कर सकते हैं। तो जो बोल्ट कर्व है आपके फोन से पेयर होने के बाद, अगर आपका फोन आपसे दूर रखा हुआ है और आपको कॉल आता है इसमें, तो वाइब्रेशन फीचर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको नेट में ही पता लग जाएगा यहाँ पर में कि आपको कोई कॉल आ रहा है, इसका वाइब्रेशन साउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो सभी कॉल का आपको पता लग जाता है और जिसकी वजह से आप कोई कॉल नहीं मिस करेंगे, तो उसका वाइब्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बोल्ट कर्व भी देता है आपको सारे फीचर्स, यहाँ पर वॉल्यूम लो है, सेंटर बटन है मेन्यू और फिर आप वॉल्यूम की है, जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सॉन्ग फॉरवर्ड जाएंगे, वॉल्यूम लो को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सॉन्ग बैक या प्रीवियस में चला जाएगा, और सेंटर बटन से आप कॉल रिसीव और एंड भी कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस अगर उसे करेंगे तो आप वॉइस असिस्टेंस या अपने iOS पर हैं तो सिरी को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो बोल्ट कर्व आपका आता है ब्लूटूथ वर्जन 4.2 जो भी बहुत फास्ट पेयरिंग आपको देता है, बहुत सुपर फास्ट कनेक्टिविटी आपको देगा। हालांकि बोट रॉकर्स की और बोल्ट कर्व की बात करें तो बोट रॉकर्स में आपको थोड़ा सा अच्छा रेंज मिलता है, रीच उसका अच्छा है ब्लूटूथ का, वही अगर बोल्ट कर्व की बात करें तो थोड़ा शॉर्ट है डिस्टेंस आपका ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी, बट आपको देता है सुपर फास्ट पेयरिंग। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, आपको दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा है वायरलेस हेडसेट वो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साथ में आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो मी आर यस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियोस, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, यू गाइस टेक केयर, जय हिंद जय भारत।